तो चलिए आज की वीडियो जो है वो शुरू करते हैं। आज की हमारी वीडियो मैथमेटिक्स के ऊपर है, चैप्टर 1 एंड 9th क्लास का मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। आज हम इसका यूनिट नंबर 5 जो है वो आज की वीडियो में देखेंगे। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। आज की वीडियो में जो मेरे पास क्वेश्चन है वो है कि एक्सरसाइज जो 1.2 है, आज हम इसका पार्ट नंबर जो है वो 2 करना है। जिन लोगों ने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा उन लोगों के लिए मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 1.2 आज इसका जो है वो सेकंड पार्ट हमने देखना है आज की वीडियो में। तो जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर जो 3 तक जो थे हमने वो पहले कर लिए हैं, तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 से करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है एक्सरसाइज 1.2 का वो क्या है, वो है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस फाइंड नंबर 1 नेगेटिव मैट्रिसेस। अच्छा, नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होता है? अ नेगेटिव मैट्रिक्स कैन बी ऑब्टेन बाय चेंजिंग साइन ऑफ ऑल द एंट्रीज इन अ गिवन मैट्रिक्स, ठीक है। और इसको जो है वो डिनोट कैसे करते हैं, माइनस ए से। फॉर एग्जांपल अगर वो मैट्रिक्स ए है तो उसका जो नेगेटिव होगा उसको माइनस ए से डिनोट करेंगे, अगर वो के होगा तो उसका नेगेटिव जो है वो माइनस के होगा। क्लियर हो गया? तो सिंपल जो नेगेटिव मैट्रिसेस होते हैं वो क्या होते हैं, हमने जस्ट जो साइन होते हैं सब एंट्रीज के वो क्या करने होते हैं, चेंज करने होते हैं। तो देखिए ए हमारे पास जो है वो एक मैट्रिक्स है, इसमें एंट्रीज हैं 1, 0, -1, ठीक है। ये एंट्रीज हैं, हमने जस्ट इनके साइन जो है वो चेंज करने हैं। जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस कर देना है, जहाँ पे माइनस लिखा है वहाँ पे हमने प्लस कर देना है, और जो मैट्रिक्स ए है उसको हमने माइनस ए लिख देना है। तो माइनस ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। 0 तो 0 ही रहता है और -1 की जगह पे +1 हो जाएगा। क्लियर? तो ये हमारे पास क्या आ गया, माइनस ए। इस तरह जो है वो बी मैट्रिक्स है एक, वो देख लेते हैं। हमारे पास वो है 3, -1, 2 और 1, ठीक है। ये हमारे पास मैट्रिक्स है बी। अब इसका हमने नेगेटिव बनाना है तो माइनस बी लिखेंगे। माइनस बी इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, आप देखें 3 की जगह पे क्या लिख दूंगा, -3, -1 की जगह पे +1, 2 की जगह पे -2 और 1 की जगह पे -1। अब सी मैट्रिक्स देखें हमारे पास वो है 2, 6, 3, 2, ओके। इसको माइनस सी लिखूंगा। अब 2 की जगह पे क्या लिख दिया, -2, 6 की जगह पे -6, 3 की जगह पे -3, 2 की जगह पे -2। मैंने जस्ट क्या किया, सिंपल सब एंट्रीज के जो साइन है वो मैंने चेंज किए। तो इस तरीके से आप जो है वो नेगेटिव मैट्रिसेस जो है वो निकाल सकते हैं। अब डी देखिए, हमारे पास एक मैट्रिक्स है वो है -3, 2, -4, 5, ठीक है। तो माइनस डी लिखूंगा इज इक्वल टू -3 है तो +3 हो जाएगा, 2 है तो -2 हो जाएगा, -4 है तो +4 हो जाएगा, +5 है तो -5 हो जाएगा। ये इसका जो है वो नेगेटिव मैट्रिक्स है। क्लियर हो गया? अब एक ई देखें, ई हमारे पास है 1, -5, 2, 3, ठीक है। तो इसको माइनस ई लिखूंगा इज इक्वल टू +1 है तो -1, -5 है तो +5, +2 है तो -2 और +3 है तो -3। जस्ट मैंने सिंपल उनके साइन चेंज कर दिए। तो इस तरीके से आप जो है वो नेगेटिव मैट्रिसेस जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस फाइंड, क्या फाइंड करना है हमने, ट्रांसपोज ऑफ दीज मैट्रिसेस, ठीक है। तो हमने क्या फाइंड करना है, ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो ट्रांसपोज क्या होता है, बेसिकली ट्रांसपोज जो होता है उसमें हमने क्या करना होता है, जो रोज होती हैं उनको हमने कॉलम में चेंज कर देना होता है, बस सिंपली। तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कैन बी ऑब्टेन बाई चेंजिंग रोज इन टू कॉलम्स, ठीक है। या आप कॉलम्स को रोज में चेंज कर लें, वाइस वर्सा, जो आपकी मर्जी है, ठीक हो गया। और इसको जो डिनोट करते हैं वो ए के ऊपर जो छोटा टी होता है ना वो लिखते होते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, ए का ट्रांसपोज। एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। अब ए हमारे पास जो है वो मैट्रिक्स है, इसकी जो एंट्रीज हैं वो हैं 0, 1, -2, ठीक है। ये इसकी एंट्रीज हैं, इनको हमने क्या करना है, रोज को हमने कॉलम में चेंज कर देना है, कैसे, ऐसे। अब ए ट्रांसपोज लिखेंगे, ए टी इज इक्वल टू, अब ये इस तरह बनाएंगे। अब ये देखें, ये मेरे पास क्या है, 0 जो है ये मेरे पास जो है वो रो 1 है, फर्स्ट रो है मेरे पास, ठीक है। अब इस रो 1 को मैंने किस में चेंज करना है, कॉलम 1 में, C1 में, यहाँ पे इसको मैं लिख दूंगा, तो 0 यहाँ पे आ जाएगा। अभी ये देखें, जो 1 है मेरे पास, ये क्या है मेरे पास, R2 है, मतलब सेकंड रो है ये वाली, इसको मैंने सेकंड कॉलम में लिखना है, ठीक है, यहाँ पे लिखना है C2 वाली जगह पे, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा। अब ये -2 देखें, तो ये मेरे पास क्या है, ये R3 है, मतलब थर्ड रो है, इसको मैंने थर्ड कॉलम में लिखना है, ठीक है। ये हमारे पास थर्ड कॉलम इधर लिखा जाता है, तो -2। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से जो है वो आप लोगों ने क्या करना है, रोज को कॉलम में चेंज कर देना, तो आपके पास ट्रांसपोज आ जाएगा। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं, बी मैट्रिक्स है हमारे पास
फाइव वन माइनस सिक्स, ठीक है। इसको मैंने क्या करना है, इस सिंपल, अब ये देखिए मेरे पास एक ही रो है मेरे पास, ठीक है, फाइव सिक्स वन, ये सारी क्या है मेरे पास एक ही रो है, तो एक ही रो है तो ये पहले ही कॉलम में चेंज हो जाएगी, सिंपल इसको मैं कॉलम में चेंज करके लिख दूंगा, तो ये ऐसे बन जाएंगी मेरे पास फाइव वन माइनस सिक्स, क्लियर हो गया। एक ही रो थी तो फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम में लिख दिया सबको। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं, सी हमारे पास जो है वो है वन टू टू माइनस वन थ्री और ज़ीरो, ये हमारे पास है, ठीक है। तो सी का जो ट्रांसपोज लूँगा मेरे पास क्या आ जाएगा, ये देखें, अब ये मेरे पास जो है वो मेरे पास फर्स्ट रो है ये वाली वन एंड टू, ये वाले इसको मैंने कहाँ पे लिखना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखना है, इधर वन एंड टू ऊपर नीचे, ठीक है, कॉलम ऊपर नीचे होता है, रो में तो आपने लेफ्ट टू राइट जाना है ना, कॉलम में ऊपर से नीचे आपने लिखना है उसको, ठीक है। तो वन इधर आ जाएगा और टू जो है इसके नीचे आ जाएगा। अब सेकंड रो मेरे पास देखें तो मेरे पास क्या है, टू माइनस वन, ये सेकंड रो है, इसको मैं यहाँ पे सेकंड कॉलम में लिख दूंगा ऊपर से नीचे, टू ऊपर आएगा और माइनस वन नीचे, तो टू माइनस वन। इसी तरह थर्ड रो को थर्ड कॉलम में थ्री ज़ीरो, क्लियर हो गया। तो अब डी देखिए हमारे पास एक और मैट्रिक्स है, इसमें एंट्रीज हैं टू थ्री ज़ीरो फाइव, ठीक है, तो डी का ट्रांसपोज लिखूंगा इज इक्वल टू, अब ये देखिए मेरे पास ये जो है टू और थ्री, ये टू थ्री, ये मेरे पास क्या है फर्स्ट रो है, टू थ्री क्या है फर्स्ट रो है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, फर्स्ट कॉलम में ऊपर से नीचे, ठीक है, तो टू ऊपर आएगा और थ्री जो है वो नीचे आएगा, सो टू थ्री, ठीक है। अभी दूसरी इसी तरह देखें जीरो फाइव, सेकेंड रो है तो सेकेंड कॉलम में जीरो फाइव, क्लियर। तो इस तरीके से जो है हम ट्रांसपोज जो है वो किसी भी मैट्रिक्स का जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सिक्स देखें, वो है कि वेरीफाई दैट, अब वेरीफाई करना है क्या, ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, मतलब ए का ट्रांसपोज लेंगे फिर उसका अगेन ट्रांसपोज लेंगे तो इज इक्वल टू ए होगा, ये हमें प्रूफ करना है। और इसके साथ हमने क्या प्रूफ करना है, सेकंड पे बी का ट्रांसपोज लेंगे तो वो इज इक्वल टू बी आएगा, इफ ए इज इक्वल टू हमारे पास उसने दिया है वन टू ज़ीरो वन और बी उसने हमको दिया हुआ है वन वन टू ज़ीरो, ठीक है। अब उसने हमको दो मैट्रिक्स दे दिए हैं ए एंड बी और वो कह रहा है कि इस ए का, ये देखें क्वेश्चन में देखें, ए का ट्रांसपोज लेना है पहले हमने, इस ए का ट्रांसपोज लेना है और उसका जो ट्रांसपोज लेंगे उसका फिर ट्रांसपोज लेना है और वो जो आंसर होगा वो शुड बी इक्वल टू इस वाले ए के, ठीक है। इसी तरह बी का भी हमने दो दफ़ा ट्रांसपोज लेना है और वो इस बी के इक्वल होना चाहिए, ठीक है, अभी करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले ए का ट्रांसपोज लेंगे, ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा, वन टू को मैं फर्स्ट कॉलम में लिख दूंगा, वन टू ज़ीरो वन को मैं सेकंड कॉलम में लिख दूंगा ज़ीरो वन, क्लियर। अब ए का ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज लूंगा, ठीक है, ये जो ए वाला ट्रांसपोज है इसका मैं दोबारा ट्रांसपोज लूंगा, तो इसमें मेरे पास क्या बन जाएगा, ये देखें, ये वन एंड ज़ीरो मेरे पास फर्स्ट रो है तो ये फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी वन ज़ीरो, इस तरह टू वन टू वन, क्लियर हो गया। तो अभी देखें हमारे पास जो हमने ये जो हमने ए का ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज लिया है तो ये ए के इक्वल आता है, हाँ ये ए के इक्वल ही है, बिल्कुल सेम है, तो हैंस प्रूव्ड। अभी हमने बी को भी इसी तरह करना है, बी का पहले ट्रांसपोज लेना है तो इज इक्वल टू आ जाएगा, देखें वन वन फर्स्ट कॉलम में आ जाएंगे, वन वन टू ज़ीरो सेकेंड कॉलम में आ जाएंगे। अब इस बी जो हमने बी ट्रांसपोज निकाला है इसका दोबारा से ट्रांसपोज लेंगे तो बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमारे पास क्या आएगा, इक्वल्स टू, अब वन टू फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दूंगा वन टू, इस तरह वन ज़ीरो जो सेकंड रो है हमारे पास उसको सेकंड कॉलम में चेंज कर दूंगा तो वन ज़ीरो, तो हैंस प्रूव, ठीक है। ये देखिए हमने जो बी का ट्रांसपोज लिया ये सिमिलर है बी के, तो क्लियर हो गया। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी, अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, तब बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।